हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ एक स्टॉक के रिलेटेड जिसका नाम है येस बैंक। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा येस बैंक एक ही महीने में 400 से ऑलमोस्ट 170-160 के लो तक आ गया था, और अभी रिसेंटली उसका जो 1 अक्टूबर का क्लोज है वो था 200 रुपया 85 पैसा। सो अभी हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं, क्या हमें करंटली येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म, हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है, और क्या चांसेस है येस बैंक के ऊपर आने के, या फिर हमें यहाँ पे येस बैंक को अवॉइड करना चाहिए। सो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं। सो अभी रिसेंटली आप लोगों को सबको ही पता होगा कि येस बैंक में अभी जो उसके MD थे राणा कपूर, उसको RBI ने अभी बोल दिया है कि आपको MD पोजीशन से हटना पड़ेगा। तो अभी वो थोड़ा येस बैंक के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे उसके बाद कौन आएगा, कैसे येस बैंक को मैनेज करेगा, वो सब बहुत ही आने वाले फ्यूचर में हमको पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ हम लोगों को दिख रहा है कि शायद उनके जाने के बाद थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस आ सकता है। और जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उसके बाद मंडे को येस बैंक ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हुआ था, उसके बाद थोड़ा फिर स्टेबल हुआ, फिर करेक्ट हुआ, फिर से कोई स्टेटमेंट आया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि हम लोग भी चाहते हैं कि राणा कपूर हट जाए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किए हो NPAs में। तो चलो हम लोग देखते हैं टेक्निकल व्यू से क्या पता चलता है कि अभी येस बैंक में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। सो ये येस बैंक का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। मैं हमेशा वीकली चार्ट प्रेफर करता हूँ लंबे टाइम के, अगर मुझे कुछ एजम्पशन लेने हो या कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ सोचने हो, आप वीकली और मंथली चार्ट को देखिए, बिकॉज वहाँ पर आपको व्यू अच्छा मिलेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो मैं पहले तो फिर से मंथली में इसको शिफ्ट कर देता हूँ ये चार्ट को। देखो आप अगर देख सकते हो तो येस बैंक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो येस बैंक का एक पहला एक लेवल था, दैट वाज द रेंज वाज 183 से लेके 171। तो ये रेंज एक मेरा मेजर सपोर्ट था येस बैंक के लिए। और यहाँ पर अगर आप टॉप में देख सकते हो रेड वाला 369 से लेके ऑलमोस्ट 363 का एक सेल जोन था, जहाँ पे येस बैंक बहुत सारे टाइम येस बैंक ने ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हो एक 403 तक का हाई मारा था। फिर यहाँ पे येस बैंक एक 21 सितंबर को स्प्लिट भी हुआ था। तो ड्यू टू सम रीज़न येस बैंक वाज नॉट अनेबल टू क्लोज अबव 369 लेवल ऑन मंथली बेसिस। देखो अभी आप जब भी कोई स्टॉक का एनालिस करते हो तो अगर आप मंथली बेसिस पे एनालिसिस करते हो तो आप वेट करिए मंथली क्लोज के लिए, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ऑन वीकली चार्ट तो आप वेट करिए वीकली क्लोज के लिए, तो ही आपके जो स्टॉप लॉस और अगर वो टारगेट है अगर वो वीकली क्लोज के पास आके नीचे चले जाते हैं तो आप अजम कर सकते हो कि हाँ ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपके टारगेट वीकली बेसिस पे अचीव होते हैं तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि अचीव हो गया, तो वेट फॉर वीकली। वैसे ही अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हो इन डेली टाइम फ्रेम तो आप वेट करिए डेली क्लोज का। तो अभी यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही एक डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट करके रखा है। सो माय अपर लेवल वाज 469, तो 469 के ऊपर कभी येस बैंक ने क्लोज दिया ही नहीं, आप वेरी क्लियरली देख सकते हो। बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ है कि ऊपर ट्रेड भी किया था, एक ब्रेकआउट जैसा लग रहा था मार्केट में, बट ड्यू टू सम रीज़न वो फिर से नीचे आके क्लोज हो जाता था, तो वो एक अच्छी ट्राई होती थी, क्लोज नहीं होता था। अभी अगर आप यहाँ पर देखो अभी हुआ क्या है, ये देखो ये जो लास्ट मंथ था अपना सितंबर मंथ में येस बैंक ने हाई मारा था 348 और उसने यहाँ पे लो मारा था ऑलमोस्ट 165 का। सो अभी हम जो अक्टूबर मंथ देखते हैं, अक्टूबर मंथ में कुछ येस बैंक में बाइंग आई है, दी अक्टूबर मंथ का कैंडल है, अभी ये शुरू हुआ है। अभी हमने रिसेंटली लास्ट एक अच्छी 10% तक की एक रैली देखी येस बैंक में और क्लोज हुआ 200.85 पे। तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस करके अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं ये लेवल पे येस बैंक पे बाय करूँ या ना करूँ। तो मेरा व्यू रहेगा कि हाँ अगर आप देख रहे हो फॉर सम शॉर्ट टर्म इफेक्ट, तो देखो 31 जनवरी तक उन लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, हु विल बी द नेक्स्ट MD, तो तब तक स्टॉक में बहुत वॉलीटैलिटी रहेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो आई विल से यू अवॉइड फॉर दिस शॉर्ट टर्म। अगर हाँ आप मुझे बोलोगे कि मुझे 2 से 3 साल के लिए देखना है कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी एक चीपर रेट पे, तो आई विल से यू बाय ऑन येस बैंक। अभी इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा
माई स्टॉप लॉस विल बी 135। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आने वाले 3-4 सालों के लिए, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट देखने की सोच रहा हूँ। देखो अभी आप अभी ये सोच रहे होगे कि अभी आप लॉन्ग टर्म की भी बात कर रहे हो, एक स्टॉप लॉस की भी बात कर रहे हो। हाँ, स्टॉप लॉस की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क। अभी आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता है, बट बी सेफ विथ योर इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और जो हम लोग स्टॉक बाय कर रहे हो वो हमें ऑलमोस्ट उसे हम लोग डाउन बॉटम फिशिंग कहते हैं, और बॉटम फिशिंग में जनरली करना नहीं चाहिए, बट येस बैंक एक अच्छी कंपनी है इसलिए हम लोग ट्राई करके देखना चाहेंगे। तो येस बैंक अभी जो हमारा जो सेकेंड एक सपोर्ट था 183 से लेके 171 वाला, वो बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन कर रहा है। और अगर आप अगर वीकली में देखोगे इसको, तो एक वीकली जो आप बोलोगे वो अपसाइड मूवमेंट आई है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा उसका 220 के बाद अगर वो 240 के ऊपर क्लोज होता है देन वी कैन सी समवेयर अराउंड दिस एरिया। आपको 290 तक का प्राइस मिलेगा और 290 के बाद वी हैव वन मोर लेवल दैट इज़ 332। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप येस बैंक बाय करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 135। अभी उसका करंट मार्केट है 200, अभी उसकी करंट प्राइस चल रही है 200। तो ये है येस बैंक का व्यू। मेरा कॉल रहेगा बाय फॉर 3 to 4 ईयर्स। आप प्लीज़ शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करिए, 31 जनवरी आने दीजिए, उसके बाद देखिए कौन MD सिलेक्ट होता है। अगर कोई अच्छा नाम आता है MD के लिए तो श्योरली आई विल इंटरेस्टेड, बट 31 जनवरी तक स्टॉक में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करिए। येस इफ़ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म देन यू कैन बाय। और येस बैंक के पहले मैंने एक व्यू दिया था कोटक बैंक के अंदर, हम लोग उसके भी लिए डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली कल की बात है 1 अक्टूबर की, कोटक बैंक ने भी बहुत अच्छा खासा लो मारा था बिकॉज ऑफ द RBI सेइंग दैट आपको अपना स्टेक कम करना पड़ेगा इन बैंकिंग। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि कोटक बैंक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, हम लोग यहाँ से 30% का एक अप्रिसिएशन देख सकते हैं। तो कोटक बैंक में भी मेरी सेम ही आपको बात रहेगी, मैंने आपको जो स्टॉप लॉस बोला था वो था 1,015 का, तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए। 1 नवंबर का जो आप लोज देख सकते हो यहाँ पे वो था 1,009.05 का, तो ये हम लोग स्टॉप लॉस हिट नहीं बोल सकते बिकॉज मैंने आपको एनालिसिस किया था वीकली में। सो वेट फॉर अ वीकली क्लोज, अगर वीकली मतलब फ्राइडे को अगर ये स्टॉप अगर ये 1,015 के नीचे क्लोज होता है देन आई विल एग्जिट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो कल स्टॉक ऑलमोस्ट 12% करेक्ट हुआ था, 12% करेक्ट होने के बाद फिर से वो सिर्फ 1% ही डाउन था, मतलब हम लोगों को डाउन साइड में एक अच्छा कोई बायर्स आके अच्छे खरीद रहे थे। तो हम लोग वेट करेंगे फॉर वीकली कोटक बैंक पे, जो मैंने आपको व्यू दिया था इन लास्ट वीडियो, सो मेरा वो व्यू सेम ही रहेगा। वेट फॉर द स्टॉप लॉस, अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है फ्राइडे क्लोज, अगर वो ये प्राइस के नीचे हो जाता है माय स्टॉप लॉस प्राइस के नीचे, देन ओनली एग्जिट, अदरवाइज डोंट एग्जिट। तो आज आपको आई होप आपको ये वीडियो काम आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनसे उनको भी हेल्प हो जाए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।